नमस्कार, सुमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हरे मटर का दाल बनाऊंगी, जिसे निमोना बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो बाउल में हरे मटर को छील के धो के लेके रखी हूँ, और यहाँ पर तीन उबला आलू है, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, प्याज तीन, एक टमाटर, अदरक और 8-10 कलियाँ लहसुन, और खड़े मसाले लौंग, इलायची, दालचीनी। पहले मैं मटर को जार में ढाल के पीस लूँगी। मटर को दरदरा ही पीसना है। तो देखिए, यहाँ पर मटर जो है पीस के तैयार हो गया है। अब मैं इसको अलग से एक बाउल में निकाल लूँगी। और अब इसके लिए मैं मसाले तैयार करूँगी। तो मसाले में मैं जार में पहले धनिया के पत्ता जो है हरी पत्तियाँ वो दे रही हूँ, और आधा प्याज, लहसुन, अदरक, और यहाँ पर लहसुन का हरी पत्तियाँ है उसको भी ढाल के मैं पीस दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो मसाला है पीस के तैयार हो गया है। अब मैं जो प्याज है प्याज को ग्रेट कर लूँगी। इससे ग्रेट करने से बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो ग्रेट हो गया है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल, 3 से 4 चम्मच जैसा सरसों का तेल ले लूँगी, और इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, और जो हरी मिर्च काट कर रखी हूँ उसको भी मैं ढाल दूँगी और थोड़ा सा भून लूँगी। और यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं लौंग, इलायची, दालचीनी, उसको भी ढाल के थोड़ा भून लेना है, और उबला हुआ आलू को ढाल के और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेना है। तो आलू यहाँ पर भून चुका है। अब मैं इसमें प्याज ढाल दूँगी और प्याज को भी भून लूँगी। आप अगर चाह प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन छोड़ के भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टमाटर ढाल के और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तो यहाँ पर टमाटर जो है भून चुका है। अब मैं जो मसाले पीस के रखी थी मसाले को ढाल के, और इसमें सूखा मसाला ढाल दूँगी, हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ढाल के, और मसाला को अच्छा से भून लूँगी। मसाला तब तक भूनना है जब इसमें से तेल छोड़ने लगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मसाला है वो भून के गया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ढाल दूँगी, और यहाँ पर कुछ हरे मटर हैं मटर को भी ढाल दूँगी। और इसको थोड़ा सा चला के पका लूँगी। अब जो मैं मटर पीस के रखी हूँ उसको भी मिला दूँगी, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा से इसको भून लूँगी। अच्छा से भूनने से इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो इसको ऐसे चला चला के 3 से 4 मिनट लगेगा। इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको भून लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छा से भुन गया है। अब मैं जार में 1.5 गिलास पानी ढाल के और कढ़ाई में ढाल दूँगी, और इसका ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो दाल है वो पक के तैयार हो गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए, ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता ढाल के थोड़ा सा इसको पका लूँगी, और गैस बंद करके अब इसको उतार दूंगी। और इसमें तड़का देने के लिए मैं 1 चम्मच घी और साबुत जीरा 1/2 चम्मच देके और इसका छौंक लगा दूंगी। दाल में घी का छौंक देने से बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, ऐसे छौंक लगा के यहाँ पर दाल जो है बन के तैयार हो गया है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए, ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। ये देखिए, यहाँ पर जो दाल है कितना अच्छा कलर हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो प्याज लहसुन छोड़ के भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दाल बन के तैयार हो गया। धन्यवाद।